दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे, बट बात करें एक इलेक्ट्रिक बाइक की तो आज की डेट में भी गिने चुने ऑप्शन है मार्केट में, जिनके अंदर सबसे ज्यादा सेल होने वाली और सबसे ज्यादा फेमस जो बाइक है वो है रिवोल्ट की RV 400, जिसका रिव्यू आज हम करने वाले इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश बडाना और आज हम बात करने वाले हैं RV 400 की सब्सिडी, कलर, टॉप स्पीड, रेंज, बैटरी, स्पेक्स सबके बारे में मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिवर्ट कर दूंगा। कीलेस ड्राइव आपको यहाँ पर मिल जाएगी, रिमोट से ही सारा सब कुछ ऑपरेट हो जाएगा, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। रिमोट के एक तरफ आपको स्विचेस मिल जाएंगे और दूसरी तरफ लोगो मिलेगा रिवोल्ट का। यहाँ पर हम इसका चारों तरफ से रिव्यू करने वाले हैं, बट स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर सारा सेटअप आपको LED के अंदर मिलेगा, जो इसके टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको फुल्ली LED के अंदर मिलने वाले हैं। हेडलाइट मास्क के जस्ट ऊपर आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिलेगी। वहीं पर बात करें इसकी हेडलैम्प की तो यहाँ पर DRLs LED के अंदर मिलेगी। वहीं पर इसकी हेडलैम्प की बात कर लें तो वहां पर प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं। दोस्तों ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसको स्पोर्टी लुक दिया गया है और स्पोर्टी लुक के हिसाब से यहाँ पर जो फ्रंट सस्पेंशन है उसके अंदर आपको अपसाइड डाउन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो जनरली हाई परफॉर्मेंस बाइक के अंदर दिए जाते हैं। फ्रंट टायर की बात कर ले तो आपको MRF का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, जिसकी साइज रहेगी 90/80। इसी के साथ आपको 17 इंच की ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील रिम मिल जाएगी। दोस्तों ये थी इसकी फ्रंट साइड प्रोफाइल। अब आ जाते हैं राइट साइड में और देखते हैं वहां पर हमें क्या कुछ मिलता है। फ्रंट की जैसे यहां पर राइट साइड प्रोफाइल को भी पूरा पूरा स्पोर्टी फील दिया गया है। इसके मैक्सिमम पैनल आपको एरोडायनामिक डिजाइन के अंदर ही मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर फ्यूल टैंक की डिजाइन जरूर दी गई है, बट ये एक बैटरी बॉक्स है जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ। इसी के पास में रिवोल्ट की 3D बेजिंग और यहाँ पर आप देखेंगे तो रिवोल्ट का लोगो मिल जाएगा आपको। इसके जस्ट नीचे आपको RV 400 की स्टिकरिंग अवेलेबल है, जो कि इस गाड़ी का मॉडल है। इसके पास में आप देखेंगे तो ग्रिल टाइप में आपको ये डिजाइन मिलेगी। इसके जस्ट पीछे स्पीकर फिट है, वहां से आप इसमें 3 तरह के इंजन साउंड निकाल सकते हैं। फ्रंट साइड में अपसाइड डाउन सस्पेंशन दिया गया था, वहीं पर रियर साइड में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। जनरली इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको काफी स्टिफ सस्पेंशन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर जो मोनोशॉक है उसकी वजह से आप कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पिलियन राइडर के पैर रखने के लिए फोल्डेबल फुटरेस्ट मिल जाएंगे, जिनको आप इजीली फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। मजबूती की बात कर लें तो ओवरऑल यहां पर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको। चार्जिंग पॉइंट आपको सीट के पास में मिल जाएगा और यहां पर एक रबर की कैप भी मिलेगी, जिससे कि पानी और डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जाए। यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा 215 mm का। वहीं पर ओवरऑल वेट की बात करें तो वो रहेगा 108 किलोग्राम का। ब्रेकिंग के अंदर फ्रंट और रियर साइड दोनों तरफ आपको 240 mm की डिस्क प्लेट मिलेगी। स्विंग आर्म को काफी मजबूत बनाया गया है, जो सिल्वर पेंट के अंदर अवेलेबल है। टायर आपको सेम MRF का मिलेगा, जो कि ट्यूबलेस है, बट यहाँ पर आपको साइज डिफरेंस जरूर मिलेगा। पीछे की तरफ आपको 120/80 का टायर मिलने वाला है, 17 इंच की व्हील रिम के साथ में। दोस्तों यहाँ पर आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलेगा, तो उसकी स्टिकरिंग देख सकते हैं सीट के पास में। सीट की बात कर लें तो यहाँ पर इसके कुशन्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। वहीं पर अगर इसके लेंथ की बात करें तो वो भी मैं आपको ठीक ठाक ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है। सीट के जस्ट पीछे आपको सिल्वर कलर में पेंटेड ग्रिप हैंडल मिल जाएगा, जो कि मेटल के अंदर है। इस बाइक के अंदर फ्रंट सेटअप हमने देखा पूरा LED के अंदर था, उसी तरीके से टेल लैंप और टर्न इंडिकेटर भी LED के अंदर मिल जाएंगे। बट यहाँ पर जो नंबर प्लेट लाइट है उसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे एक छोटा रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। नंबर प्लेट लगाने के लिए एक प्रॉपर जगह दी गई है, क्योंकि हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साड़ी गार्ड दिया गया है, तो इसके अंदर आपको स्पोर्टी लुक के साथ साथ डेली यूटिलिटी के हिसाब से भी इसको तैयार किया गया है। ड्राइव ऑप्शन की बात करें तो ये बेल्ट ड्राइवन व्हीकल है, यहाँ पर आप इसकी बेल्ट देख सकते हैं। मोटर की बात करें तो वो मिड के अंदर फिटेड है। पावर फिगर की बात करें तो इसकी मोटर आती है 3 kW के साथ में। इसकी बैटरी चेक करने के लिए टैंक के ऊपर का कवर खोलना पड़ेगा, जो ओपन होगा इस चाबी से। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि साइड स्टैंड तो मिल जाएगा, बट मेन स्टैंड लापता है। अब आप इसको किस तरीके से देखेंगे कि ये कॉस्ट कटिंग है या फिर मेन स्टैंड की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। मैंने टैंक के कवर को खोलने की कोशिश करी, बट ये काफी हार्ड निकला। फाइनली मैंने शोरूम के स्टाफ को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक बार इसको ओपन कर दे, तो उनको भी थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी इसको ओपन करने के लिए। उन्होंने बताया कि कवर के ऊपर हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ता है, बट गाड़ी थोड़ी ऊंची खड़ी है, इस वजह से वो हो नहीं पा रहा। कवर को हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पर आप मोबाइल या फिर कोई पर्स वगैरह है वो रख सकते हैं। चार्जर रखने जितनी तो जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। अगर आप चार्जर को कहीं लेके जाना चाहते हैं तो आपको उसको बैग में कैरी करना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों हमारे सामने है RV 400 की लिथियम आयन बैटरी। अगर स्पेक्स की बात करी जाए तो ये आती है 72 वोल्ट और 43 एम्पीयर के साथ में। 3.24 kW की ये बैटरी है, तो यहाँ पर इसको फुल चार्ज करने के लिए 3 यूनिट लगेंगे। बैटरी यहाँ पर आपको डिटेचेबल मिलेगी, आप इसको निकाल कर चार्ज कर सकते हैं।
कलर ऑप्शन की बात करें तो जो रेड कलर देख रहे हैं वीडियो में, इसके अलावा ब्लैक और व्हाइट दो और कलर मिल जाएंगे। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आप लगभग 150 किलोग्राम तक लोड आराम से कैरी कर सकते हैं। बात कर लें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो वो आपको फुल्ली एलईडी के अंदर दिया गया है। तीन मोड मिलेंगे आपको, फर्स्ट मोड में आप देख सकते हैं, सेकंड मोड आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको सेकंड लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी यहाँ पर तीसरा जो मोड है आप देख सकते हैं, तीसरे मोड की इंडिकेशन आ गई जो कि स्पोर्ट मोड है। यहाँ पर मोड चेंज करना भी आसान है, सिंपली स्विच दिया गया है जहाँ से आप अपने हिसाब से मोड चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी के परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएंगे, डिस्टेंस टू एम्प्टी कौन से मोड में कितना किलोमीटर कवर करेगी वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। इसके अलावा आपको स्पीडोमीटर रीडिंग और बाहर का टेम्परेचर भी यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मोड चेंज होते हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी भी चेंज होता है। फर्स्ट मोड के अंदर मैक्सिमम रेंज बताएगा, वहीं पर बात कर ले थर्ड मोड की जो कि स्पोर्ट मोड भी है, वहां पर ये हमें मिनिमम रेंज बताएगा। दोस्तों अब बात करेंगे स्विचेस की, तो यहां पर आपको राइट साइड में किल स्विच, कौन से मोड में गाड़ी चलानी है उसके लिए और हॉर्न के लिए स्विच मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात कर ले लेफ्ट साइड स्विचेस की तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम के लिए और इसी के पास में आपको टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के लिए स्विच मिल जाएगा। अब रिवोल्ट की इस बाइक के अंदर चाबी तो लगेगी नहीं, तो स्टार्ट और स्टॉप कैसे करना है तो यहाँ पर आपको हैंडल के पास में एक बटन मिल जाएगा जिसको पुश करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात कर ले तो जयपुर के अंदर ये अप्रोक्स 1,45,000 रुपए की ऑन रोड पड़ रही है, जिसके अंदर आपको 48,000 रुपए की फेम टू सब्सिडी तो हाथ के हाथ डिडक्ट कर दी जाती है और जो स्टेट सब्सिडी है 11,300 रुपए की वो 2 या 3 महीने के अंदर आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। यहाँ पर आप सेंटर में फिटेड इसकी मोटर देख सकते हैं जहाँ से बेल्ट के थ्रू इसको पावर मिलती है। दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है जिसमें से इंजन साउंड आता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको 2-3 इंजन की आवाजें सुनने को मिल जाएगी इस स्पीकर से। चार्जर की बात कर लें तो आपको मेटल बॉडी के अंदर चार्जर मिल जाएगा, इसको कैरी करने के लिए अलग से बैग आपको रखना पड़ेगा। अगर पावर आउटपुट की बात करें तो वो रहेगा 84 वोल्ट और 11 एम्पियर का। इसके अंदर आपको एलईडी इंडिकेशन लाइट मिल जाएगी जिससे आपको पता चलता रहेगा कि बैटरी कितनी परसेंट भर चुकी है। दोस्तों अगर बात करें इसकी रेंज की तो यहाँ पर जो फर्स्ट मोड है इको मोड, उसके अंदर आपको मैक्स स्पीड रहेगी 45 किलोमीटर पर आर की और 150 किलोमीटर की रेंज दे देगा। वहीं पर अगर बात करें सेकंड मोड की जिसको नॉर्मल मोड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर स्पीड रहेगी 65 किलोमीटर पर आर की और यहाँ पर आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज निकाल कर देगी ये बाइक। वहीं पर बात कर ले थर्ड मोड की जो कि स्पोर्ट मोड है, वहाँ पर इसकी टॉप स्पीड रहेगी 85 किलोमीटर पर आर की और स्पोर्ट मोड के अंदर जो इसकी मैक्स रेंज निकल कर आएगी वो रहेगी 80 किलोमीटर की। दोस्तों इसके अंदर आपको जीपीएस कनेक्टिविटी भी मिलेगी। अगर व्हील बेस की बात करें तो वो रहेगा 1350 mm का। वहीं पर अगर सीट हाइट की बात करें तो वो रहेगा 814 mm का। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो रिवोल्ट RV 400 के ऊपर। अगर आपको वीडियो के अंदर वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।